हेलो एवरीवन, दिस इज़ तेजस मालव और मैं अभी गायमुख चौपाटी के बाहर रोड पे मैं जस्ट वॉक ले रहा था और मैंने जस्ट अपने साइड में देखा ये प्लेस। तो डेफिनेटली इसे देख के लगता है कि ये कोई फोर्ट है और ये मैं श्योर हो जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो गड़ावर कचरा करू नए, बट ये कौन सा फोर्ट है ये बताया नहीं गया है। इसके बारे में गूगल पे भी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक छोटा सा फोर्ट है। पर यहाँ पे देखिए बहुत सारा कचरा फैला है लोगों ने, और ये फोर्ट अंडररेटेड है, हिडन प्लेस है। मैं अंदर चलता हूँ, ये देखिए पूरा टूट चुका है ये, और ये सामने आप देख सकते हो खाड़ी। जस्ट मैं देख रहा था, ये देखिए। सो बाहर जो बोर्ड लगा है उससे तो कंफर्म हो जाता है कि ये कोई हिस्टोरिक जगह है, बिकॉज ऐसे प्लेसेस खंडर बन के रह जाते हैं जिनके बारे में हम शायद ही पता कर पाए कुछ। ये है गायमुख चौपाटी यहाँ पे, और यहाँ पे जेटी का काम चल रहा है कुछ। सामने आप ये दो घोड़े देख सकते हो। तो अगर इतना रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इस जगह के बारे में भी आई थिंक गवर्नमेंट ने कुछ सोचना चाहिए, अगर ये कोई हिस्टोरिक प्लेस है तो। अगर नहीं है तो इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर ये कोई हिस्टोरिक प्लेस है तो इसे भी रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सामने से दिखाता हूँ ये प्लेस, ये देखिए। तो क्लियरली पता चलता है कि ये आई थिंक एक फोर्ट हुआ करता था बहुत सालों पहले, लेकिन अभी पूरा टूट चुका है। सो यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, और 100% इसके बारे में अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मैं भी पता करने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ की हालत देखिए यार, पूरा कचरा है यहाँ पे। सो ऐसी हिस्टोरिक जगह है तो उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे के रिस्टोर करेंगे तो कुछ पूरा नहीं होगा, इनफैक्ट अच्छा ही होगा, और लोग आके देखेंगे इस प्लेस को। दोस्तों, जब मैं गायमुख फोर्ट पे आया तब मुझे इस फोर्ट का नाम तक पता नहीं था। इनफैक्ट गूगल मैप पे ये फोर्ट दिख भी नहीं रहा था, और गूगल पे सिर्फ गायमुख फोर्ट के इमेजेस है, पर इसके हिस्ट्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की। तब मुझे नरेंद्र लखान, जो कि एक ब्लॉगर है, उनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जो 2016 का है, और उसके हिसाब से ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक हिस्टोरिक प्लेस है। तो गायमुख फोर्ट के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, जो मैंने समझने की कोशिश की है। तो ये फोर्ट पोर्तुगीज के टाइम से यहाँ पे है, और इस फोर्ट का जिक्र दुर्ग संपदा ठाण्याची बुक में किया गया है, और इस बुक में गायमुख फोर्ट को गायमुख गढ़ी के नाम से मेंशन किया है। गायमुख फोर्ट ठाणे के किनारे बसे 12 किलो में से एक किला है। उस वक्त ठाणे क्रीक के नियर कल्याण एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, जहाँ व्यापार यानी बिजनेस बढ़ने लगा था, और इसी वजह से पोर्ट की सेफ्टी के लिए घोड़बंदर, नागला बंदर और गायमुख फोर्ट को बांधा गया था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूँ कि चिम्माजी अप्पा ने पोर्तुगीज लोगों को हरा के घोड़बंदर फोर्ट जीता था, ऐसा आर्टिकल में लिखा गया है। और ये पढ़ के ये कन्फर्म हो जाता है कि ये भी छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी का एक पार्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्लेस के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता, और यहाँ के जो लोग हैं ठेला लगाने वाले उनको भी इस प्लेस के बारे में नहीं पता। और ये फोर्ट बहुत बुरी हालत में है, यहाँ चारों तरफ कचरा है, और ये कचरा यहाँ के नियर बाय जितने भी होटल या ठेला लगाने वाले लोग हैं वो करते हैं। फिर यहाँ पे आपको दारू के बॉटल्स मिलेंगे, सिगरेट्स भी मिलेंगे, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये गायमुख फोर्ट धीरे धीरे करके गिर जाएगा और इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस फोर्ट को रिस्टोर कराने की और इसे साफ रखने की, ताकि इस फोर्ट की लेगेसी है वो हम वापस ला सके और यहाँ पे बहुत से लोग इस फोर्ट को देखने आ सके। मैंने पहले भी कई अंडररेटेड हिस्टोरिक प्लेसेस विजिट किए हैं, जैसे कि शिवकालीन विहीर, पिंपलास फोर्ट, दुर्गाडी फोर्ट, पलास पे स्टेपवेल और ऐसे कई सारे प्लेसेस जो कि गायमुख फोर्ट से रिलेटेड है, और फोर्ट की ऐसी हालत देख के सच में बुरा लगता है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो को शेयर करो और उन लोगों तक पहुँचाओ जो इस फोर्ट को रिस्टोर करवाने में मदद कर सके। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुँचाइए जो इस प्लेस को रिस्टोर करने में मदद कर सकते हैं। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ।